नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है, आने वाले समय में गर्मी में लोगों को वीकनेस हो जाती है, उनका इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है, तो आप इम्यूनिटी पावर को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, शरीर के शक्ति को कैसे बैलेंस बना सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इम्यूनिटी पावर अगर आपको बढ़ाना है तो तुलसी का इस्तेमाल इस प्रकार से करना होगा कि आपका जो शरीर का बैलेंस है वो बिल्कुल संतुलित हो जाए, और अगर आपके शरीर का बैलेंस संतुलित रहेगा तो गर्मी में ना आपको लू लगेगी, ना आपको किसी भी प्रकार का हैरेसमेंट होगा, ना थकावट होगी, और आप अच्छे से पूरे दिन काम कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं इस तुलसी के पत्तों में क्या क्या गुण होता है और ये आपको किन किन बीमारियों में रामबाण बनकर सहायता करता है, किन चीज़ों से आपको निजात दिला सकता है। दोस्तों, तुलसी का जो पत्ता होता है वो आयुर्वेद में औषधीय गुण के कारण एक अलग स्थान रखता है। तुलसी को रोग निवारक माना गया है। तुलसी के पौधे का हर भाग, चाहे वो पत्ता हो, इसका फूल हो, इसके बीज हो, इसके डंठल हो, शाखाएं हो या जड़ हो, हर किसी का कहीं ना कहीं हमारे आयुर्वेद में काम आता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी में ये बहुत ही ज़्यादा काम करता है। जी हाँ दोस्तों, इस तुलसी के पत्ते को आपने अपने घरों में देखा होगा। तुलसी के पौधे का हमारे यहाँ पूजा भी होता है, हम सभी के घरों में इसका पूजा होता है, खासकर हिंदू सनातन धर्म के लोग इसका पूजा जरूर करते हैं। यह तुलसी का पत्ता बहुत सारे बीमारियों में, दर्जनों बीमारियों में रामबाण का काम करता है। ये तुलसी जो है ना केवल पूजा के लिए है, ये तुलसी ना केवल गले को साफ करने के लिए है, ये तुलसी ना केवल आपके कफ खांसी जुकाम को ठीक करने के लिए है, बल्कि और भी दर्जनों बीमारियों को ठीक करने का इसमें क्षमता है। अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आपको दर्जनों बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि किन किन बीमारियों में ये तुलसी का पत्ता या तुलसी का जड़ या तुलसी का तना या तुलसी के जो बीज होते हैं वो किस प्रकार से आप यूज करें, उसका इस्तेमाल करें कि आपको इन बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे तुलसी का पत्ता जो है वो दो तरह का होता है। एक जो ग्रीन होता है, आप देखिए ये ग्रीन तुलसी का पत्ता है, और ये थोड़ा ब्लैक ब्राउन कलर का, ब्राउन शेड का तुलसी का पत्ता है। काले तुलसी का जो पत्ता होता है उसे आप इस्तेमाल करें, उसमें ज़्यादा औषधीय गुण होता है। तो आप ध्यान रखें कि हमें काली तुलसी के पत्ते इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि चेस्ट से संबंधित और गले से संबंधित जो बीमारी होती है, जैसे कि कफ, दमा, टीवी वगैरह जो बीमारियाँ होती हैं, इसमें आप इस तुलसी के पत्ते को कैसे इस्तेमाल करें। जी हाँ, रोज़ाना तुलसी के 5-6 पत्तियाँ लें, उसका सेवन करें, तो ऐसा माना जाता है कि आपको खांसी, काली खांसी, दमा, टीवी जैसी बीमारी आपके आसपास नहीं आएंगी, कभी आपको इस तरह का बीमारी नहीं होगा, क्योंकि इस तुलसी में एक ऐसा औषधीय गुण होता है जो आपके शरीर में खांसी, दमा और टीवी जैसी बीमारियों को जो पनपता है, जो पनपाता है, वो जीवाणु को बढ़ने ही नहीं देता है, उसे बाहर निकलने ही नहीं देता, उसे वो वहीं रोक देता है। आपके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है, और जो रोग हैं, जो बीमारी हैं, उसके जो जीवाणु हैं, उसे वो वहीं पे दबा देता है। तो इम्यूनिटी पावर को इतना स्ट्रांग कर देता है कि छोटे मोटे बीमारी ही नहीं, बड़े से बड़े बीमारी भी आपके शरीर पर हावी नहीं हो पाता है। इसके अलावा अगर आपको मलेरिया हो गया हो या मलेरिया का बुखार हो गया हो, तो उसमें भी तुलसी का पत्ता बहुत काम करता है, और अगर आप इसका सेवन करते हैं
तो आपको मलेरिया होने ही नहीं देता है। इतना ही नहीं, अगर आपके घर के आसपास ज़्यादा तुलसी के पौधे हों तो मच्छर नहीं पनपते हैं, मलेरिया डेंगू के मच्छर आसपास नहीं आते हैं। और अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को मलेरिया हो गया हो तो क्या करें, एक मुट्ठी तुलसी का पत्ता तोड़ लें, काली तुलसी का पत्ता तोड़ लें और उसमें 4-5 काली मिर्च मिला दें। काली मिर्च मिला के एक गिलास पानी में काढ़ा बना लें। काढ़ा कैसे बनाते हैं आपको पता है, उसे आप तब तक उबालें, एक गिलास पानी को आप तब तक उबालें जब वो आधा रह जाए, तब आप उसे उतार कर और उसका सेवन करें। अगर आप इस काढ़े का लगातार रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाती है, वो ठीक हो जाता है। ये जो दोस्तों तुलसी है, ये मच्छर से काटने से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे आप डेंगू ले लें या मलेरिया ले लें या चिकनगुनिया भी अभी काफ़ी हुआ था पिछले साल, इन सभी बीमारियों में तुलसी का पत्ता रामबाण का काम करता है। ये तुलसी का पत्ता आपके शरीर के इम्यूनिटी पावर को बनाए रखता है, स्ट्रांग बनाए रखता है, ताकि आप बीमारी के चंगुल में ना फंस पाएँ। दोस्तों इस तुलसी के पत्ते के बारे में कहा गया है कि बुखार में जो हम लोग पैरासीटामोल यूज़ करते हैं, पीसी जिसको कहते हैं, कालपोल जिसको कहते हैं, जो कालपोल या पैरासीटामोल यूज़ करते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा यूजफुल है तुलसी का पत्ता। पैरासीटामोल इसके सामने बिल्कुल बेकार हो जाता है, उससे ज़्यादा कारगर होता है तुलसी का पत्ता। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई भी बुखार हो तो उसमें आप तुलसी के पत्ते का काढ़ा बनाकर ऐसे लोगों को दें जो बुखार से पीड़ित हो, उनको दें तो उनका बुखार छूमंतर हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है कुष्ठ रोग कहते हैं, वैसे तो वो जानलेवा नहीं होता है लेकिन उससे लोग परहेज करते हैं, काफ़ी लोग उसको दूर रखते हैं ऐसे लोगों को जिनको कुष्ठ रोग हो जाता है। समाज में ऐसी प्रथा है, मैं क्या बताऊँ, कुष्ठ रोग से लोग थोड़ा कन्नी काटते हैं। तो कुष्ठ रोग में भी तुलसी का जो जड़ होता है, तुलसी के जड़ को पीस कर उसमें सौंठ, अदरक का जो सूखा हुआ हिस्सा होता है, सौंठ को मिलाकर पानी के साथ रोज़ाना सुबह को अगर आप सेवन करते हैं, अगर कुष्ठ के रोगी सेवन करते हैं तो उसमें ये काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। इसलिए ये तुलसी का पत्ता ही नहीं, तुलसी का जड़ भी बहुत ही कारगर होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके अलावा अगर किसी के आँखों में समस्या हो, रतौंधी आता हो या आँख लाल पड़ जाता हो, पीला पड़ जाता हो, ऐसे लोगों के लिए क्या करें, काली तुलसी के पत्ते का रस निकाल लें और 2 बूंद रस जो है उनके आँखों में डालें। ऐसा आप 15 से 20 दिनों तक करें तो उनके आँखों की जो रोशनी चली जाती है, रतौंधी जो रात को उनको दिखाई नहीं देता है, ऐसे लोगों की रतौंधी ख़त्म हो जाता है। और अगर किसी का आँख लाल पड़ जाता हो, लाल हो जाता है बहुत लोगों का आँख, आपने देखा होगा, अगर किसी का आँख लाल होता हो तो उसे भी आप तुलसी का 2 बूंद उसके आँख में डालें तो उनका जो लालिमा है वो ख़त्म हो जाता है। और यूँ भी अगर आप तुलसी के पत्ते का रस रोज़ाना अपने आँखों में लगाएं, जैसे काजल लगाते हैं, तो आपके आँखों की रोशनी जो है वो तेज होती है, रोशनी बरकरार रहती है, रोशनी कभी कम नहीं होती। आँखों का जो पावर है, आँखों के चश्मा का जो पावर लोगों का बढ़ रहा होता है, ऐसे लोगों के आँखों के चश्मा का जो पावर है वो इक्वल हो जाता है और वे नॉर्मल देख सकते हैं। अगर किसी को हृदय रोग हो, हार्ट डिजीज जिसको कहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या करें, थोड़ा सा तुलसी का पत्ता और थोड़ा सा काली मिर्च को बादाम जो होता है उसके साथ पीस लें और पीस कर गर्म पानी में 1 चम्मच शहद के साथ उनको रोज़ाना पिलाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो उनका जो हृदय रोग है वो हृदय रोग उनका ख़त्म हो जाता है। हृदय रोग से ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है या ब्लड प्रेशर घटता है, तो अगर आप इस नुस्खे को अपनाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा, आपको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, हृदयघात नहीं होगा। दोस्तों आपने देखा इस तुलसी के पत्ते का कितना ज़्यादा महत्व है, कितना इसका फ़ायदा है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये तुलसी का जो पत्ता है आपके शरीर के इम्यूनिटी पावर को किस प्रकार से स्ट्रांग करता है और कितनी सारी बीमारियों से आपको निजात दिलाता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा
हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर रोज़ नए नए टिप्स, नए नए वीडियो देखने को मिले। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है जिन किसी ने, तो एक नोटिफिकेशन बेल है सब्सक्रिप्शन बटन के साथ में, एक बेल है, घंटी बना हुआ है, उस घंटी को एक बार ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हर रोज़ नए नए टिप्स, नए नए वीडियो देखने को मिले, और आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। इसी कामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।